बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे सतीश कुमार मिश्रा काफी समय से पार्टी की प्रमुख बैठकों और चुनाव प्रचार से गायब रहे हैं। चाहे आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इन चुनावों के बाद हुई बीएसपी की तीन अहम बैठकें, इन सभी तीन बैठकों में सतीश मिश्रा गायब रहे थे। पार्टी में जिनकी गिनती नंबर दो पर होती थी, उनका इस तरह पार्टी के जरूरी मौकों से बाहर रहना सभी को खटक रहा था। बहुजन समाज पार्टी भले ही उनकी तबीयत का बहाना बना रही हो, लेकिन इस बात का शक तो सभी को था कि पार्टी सुप्रीमो किसी बड़े बदलाव की तलाश में है। इन्हीं सभी अटकलों के बीच अब पता चलता है कि पार्टी सुप्रीमो ब्राह्मण चेहरे को साइडलाइन कर किसी दलित चेहरे की तलाश में है, ताकि दलित समुदाय को ये सुनिश्चित कर सके कि पार्टी अपने आधार मूल्यों को भूली नहीं है। बीएसपी ने फैसला किया है कि सतीश मिश्रा अब सिर्फ पार्टी के लीगल सेल की जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। बीएसपी की यूपी में फिर से धाक कायम के लिए पार्टी सुप्रीमो इन दिनों दलित चेहरे की तलाश में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सतीश मिश्रा अब पार्टी के कानूनी मामले देखेंगे और राजनीतिक मामलों से उन्हें दूर रखा जाएगा। बीएसपी नेता ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर भी बहन जी खासी नाराज हैं। ये बताया जा रहा है कि बहन जी सतीश मिश्रा से नाराज हो चुकी हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद बहन जी ही जानती होंगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीएसपी की बागडोर सतीश मिश्रा ने संभाली हुई थी। उन्होंने पूरे राज्य में घूम घूम कर 55 जनसभाएं की, जिनमें उनका उद्देश्य ब्राह्मणों और दलितों के बीच भाईचारा बढ़ाना था, ताकि चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल सके। हालांकि इससे कोई खास लाभ पार्टी को नहीं मिला और बीएसपी पूरे राज्य में सिर्फ एक ही सीट पर सिमट गई। ग्राउंड लेवल पर जो फीडबैक मिला, उससे पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ये बड़े बदलाव किए हैं। दलित समुदाय इस बात से खुश नहीं था कि पार्टी की जिम्मेदारी एक ब्राह्मण के पास है, और ना ही उनके द्वारा किए जा रहे कामों से दलित समुदाय खुश था। विधानसभा चुनाव में बीएसपी के निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए बहन जी ने तीन बैठकें भी की थी, जिनमें से सिर्फ एक ही मीटिंग में मिश्रा नजर आए थे। इतना ही नहीं, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सतीश मिश्रा का नाम गायब था। अभी के लिए खबर में बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।